हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। तो मेरी वीडियो जो देख रहे हैं आप, तो आज हम खेल रहे हैं नीड फॉर स्पीड 2 अंडरग्राउंड। तो आज मेरा थोड़ा सा मूड था, मैंने कहा जरा नीड फॉर स्पीड ट्राई करते हैं थोड़ा सा रेसिंग। आज हमारा यही है जो है ना, आज टास्क है कि एक रेस करनी है बस। तो ये थोड़ा सा बूस्ट जो है ना हम करेंगे, तो इसके लिए रिफिल करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं एक रेस की तरफ, और ये रहा रेस का पॉइंट। तो शुरू करते हैं गाइस, इसको नहीं देखना बिल्कुल। और गाइस ग्राफिक्स तो मस्त हैं, अच्छे भी नहीं है क्योंकि ओल्ड गेम है इसकी। लेकिन ये रेस स्टार्ट हो गई है इनको, और सारे आगे निकल गए हैं यार। सो थोड़ा सा रास्ता तो बस थोड़ा सा रास्ता यार, वो बस हो गया। अभी जब से टर्न आ गई है, आई होप सही हो गई और हो गई। स्लो करनी पड़ती है स्पीड। और ये देखेंगे कैसे हमारी गाड़ी हवाओं को चीरती हुई जा रही है। हंसना नहीं है मेरी बातों को। तो ये शॉर्टकट ले लेते हैं यहाँ से, ताकि हम ज़रा जल्दी पहुंच जाएं और रेस जीत जाएं। और ये लगे, इसलिए कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो ज़िंदगी में हो या फिर रेस में। तो थैंक गॉड कि अभी वो पीछे हैं, ज़्यादा मेरे करीब नहीं आए। तो बूस्ट लगाते हैं, बूस्ट नहीं यार नहीं यूज़ करते यार। तो अभी तक तो सही चल रहा है रेस। और ये फिर लगे ऐसा ही होता है जब ध्यान आदमी का किसी और तरफ, यानी कि बात करने का होता है, इसलिए फ़ोन भी यूज़ नहीं करते ड्राइविंग के वक्त। यही हाथ से होता है। तो अभी तक तो 6 सेकंड की दूरी पे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है गाइस डेफिनेटली मैं भी कहूँ। और ये शार्प टर्न, थैंक गॉड की स्पीड कम कर ली, सारी रेस का जो सत्यानाश हो जाता है। और बस थोड़ा सा फसला रह गया, 84% रेस कम्प्लीट है, अभी जीत जाएंगे गाइस। और ये बूस्ट नाइट्रो बेसिकली, ये थोड़ा सा शार्प करना है, स्पीड स्लो करना पड़ता है। तो बस गाइस जीत ही चुके हैं, और ये जीत गए 1:55. चेयर अप करो गाइस, सब 300 पॉइंट्स और 300 गन्स मिला मुझे, इसको नहीं देखना प्लीज़। तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी को जो है ना थोड़ा सा कलर करा लिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ऐसे मैं कलर कर ही रहा हूँ, आप बता रहे हैं कौन सा कलर होना चाहिए मेरी गाड़ी का। तो अभी जो है ना मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स शॉप में करना चाहना पड़ेगा, थोड़ी सी बिल्टिंग क्या कर लें आप। ओके सेलेक्ट कर लेते हैं यार, ग्राफिक्स शॉप में जो है ना जाना है। और ये GPS डाल दिया GPS पे, तो चलते हैं फिर, आने वाली है जो है ना शॉप। तो चेंज करते हैं कलर अपनी गाड़ी का, जो कलर अच्छा लगा वही रख लेंगे। और यहाँ से राइट कर सो फार सो गुड, यहाँ से लेफ्ट होना। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे देखें। रेस हमने सिर्फ एक ही करनी थी यार, थोड़ा सा कस्टमाइज करना देखना। और अगर आप स्पोर्ट्स दिखाएंगे, स्पोर्ट दिखा दें आप, तो इंशाल्लाह जो है ना और वीडियोस भी आ जाएंगी। और ये आ गई ग्राफिक्स शॉप, और अब बहुत ज़्यादा मुश्किल मसला है मेरे लिए तो कलर सेलेक्ट करना। देखते हैं कौन सा कलर अच्छा लगता है। नहीं बस यही ठीक है, ये कभी अनलॉक नहीं हुए। आई थिंक ये कलर अच्छा लग रहा है, विनेल्स वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं एक, नहीं पहले से लगा हुआ है। ये नहीं अच्छा, नहीं नेक्स्ट, ये सही है, आई होप सही लग रहा हूँ। और भी सेलेक्ट कर, नहीं और नहीं सेलेक्ट कर सकते हम। तो यही ठीक है गाइस,
चलते हैं एक्सप्लोर मोड में। तो ये देखे गाइस हमारी राइट बिल्कुल न्यू लुक आ गई है गाड़ी की। थोड़ी सी फ्री रोमिंग करते हैं, जस्ट फ्री रोम, देखते हैं अगर कोई रेसर वगैरह कोई और मिला तो उससे उसी रेसर निकालने को चाहिए। तो नीड फॉर स्पीड 2 के रोड्स डोर्स पर मैं ड्रिफ्टिंग करते हुए थोड़ा सा बूस्ट दिया गाड़ी को नाइट्रो और ये ड्रिफ्ट पावर स्लाइड ये कहते हैं इसे पावर स्लाइड ही कहते हैं। और ये पावर स्लाइड करते हुए इंजनिस हो गया गाइस। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे और ये थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग आपको माइक्रो फील होगा। चलते हैं अभी आई थिंक गैराज में चलते हैं। नहीं गैराज में अभी जस्ट नहीं घूमते फिरते हैं थोड़ा सा सिटी भी नहीं जाना सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक्सीडेंट होते होते बचा भी इसलिए पॉइंट्स भी मिल गए। सामने गैराज आ गया गैराज में चला जाना चाहिए चले जाते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें खास तौर पर और सब्सक्राइब तो कर दो यार। और क्या करना है अब देखो कैसे डिफ्टिंग करिए गाड़ी। अब इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके गाइस मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में अगर जिंदगी रही तो। ओके गाइस बाय। A lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business, not because they want to do it, just because they heard it paid.